रामपुर के घड़ियाल में अब चोरों ने चोरी करने का नया तरीका निकाल लिया है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में रह रहे हैं, मगर लोग घरों में रहकर इतना सुस्त आ गए हैं कि उनको आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं है। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए चोर इन चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कस्बा घड़ियाल के ग्राम जटपुरा का है, जहाँ पर नरेश सिंह की पत्नी प्रीति घर में सोई हुई थी। अज्ञात चोरों ने उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर कानों के कुंडल व 500 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने इतने से ही संतोष नहीं किया, उन्होंने दूसरे घर में मेकार सिंह व कमल सिंह के घर पर मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इन भुक्तभोगियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचने की जहमत तक नहीं की, जिससे गांव वालों में दहशत के साथ साथ पुलिस के प्रति आक्रोश भी व्याप्त है। यहां बता दें कि इस गांव में पूर्व में भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस इन सारी चोरियों से अभिज्ञ है। घड़ियाल से फिरोज खान की रिपोर्ट। तो इसमें कैसे हुआ ये घटना? मैं तो सो रही थी अपने बच्चों को लेकर, तो एकदम से मेरी जब आँख खुली तो मेरे कानों पर बहुत जोर से दर्द हो गया। मैंने अपने कानों पर हाथ रख कर देखा तो मेरे कानों में कुंडल ना थे। फिर मैंने एकदम से इन आवाज़ लगाई, मैं देखो मेरे कुंडल ना है, किसी ने मेरे कुंडल निकाल लिए। फिर ये एकदम से भाग छूटे। इसमें कुछ फिर भी जब पता ना लिया क्या हुआ। इसमें कुछ पैसे भी नकदी भी गई है? हाँ, यहाँ पर सामने सेट टंग रही थी उसमें 500 रुपये। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ दी। पुलिस मौके पर यहाँ पर आई? अभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई पुलिस। तो यहाँ पर जो गश्त कर तो चौकी में गए थे, तो आपने क्या कैसे ही घटना हुई? ये ऐसे बताया साहब, हमने जाते कर रात में लगाई है, 10:30 बजे लगाई छोटे वाले लड़के ने इसने, और सुबह उठे हैं 4 बजे तो दोनों मोबाइल गए और चार्जर भी गए। तो आपने इसकी सूचना पुलिस चौकी को दी? पुलिस चौकी गए साहब हम, तो उन्होंने रजिस्टर में नाम लिख लिया मेरा भी, नरेश का और हमारे साथ। कितने मोबाइल आपके चोरी हुए? 2 है सर। इसमें पुलिस को सूचना देने के बाद में आपके वहाँ पुलिस आई? अभी तो नहीं आई सर, ऐसा बोला उन्होंने। और कोई घटना हुई यहाँ पे? और किसी तरह कोई घटना हुई? वो उधर बताऊंगा, ये बताऊंगा डीलर साहब। क्या क्या सामान गए हैं? 2 मोबाइल थे हमारे लग रहे चार्जिंग, चार्जर भी और दोनों मोबाइल चले गए। आपका क्या क्या गया है? हमारे सोने के कुंडल और 500 रुपये। इसकी आपने तहरीर चौकी में दी, गए चौकी में? हम चौकी गए थे तो हमसे तहरीर उन्होंने ना ले की, हमारा एड्रेस उन्होंने रजिस्टर में लिख दिया है। तो अभी तक आपके वहाँ पर पुलिस पहुँची नहीं? अभी पहुँची। किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लगभग आए दिन होती घटना रहती है यहाँ पर? अभी ऐसे कोई 15 दिन हुए ना उस कटिया खुले हुए।